ओके भाई लोग, तो सर्वाइवल थ्रिलर्स देखना किसको पसंद है? क्योंकि इन केस अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर्स देखना पसंद, तो आज की इस वीडियो में जिस कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो आपका माहौल बना सकता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी कि प्लीज आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो, ऐसी वीडियोस देखना पसंद तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही रिव्यूज वीडियोस मिलते रहते हैं। शुरुआत करें अगर बेसिक से, तो देखो आज नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर भाई एक काला पानी नाम की वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसके सीजन को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल साथ ही एपिसोड देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि सीजन 1 में इसकी कहानी को एंड नहीं किया गया है, इसका सीजन 2 भी आएगा। ये भगवान क्या जुलूम है। इस सीजन 1 को अगर चाहो तो आप फैमिली के साथ देख सकते हो, आपको इक्का दुक्का जगह गाली गलौज सुनने को मिलेगी एंड हाँ, कुछ इंटेंस मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। बाकी सीरीज का जो माल है, अपनी चीजों को आपके सामने रखने से पहले बस एक ही क्वेश्चन पूछता है कि क्या भाई आपको सर्वाइवल थ्रिलर्स देखना पसंद है? अगर हाँ आपको पसंद है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कौन सी सबसे तगड़ी सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज या मूवीज या के ड्रामा देखा था, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना, जिससे कि मुझे भी तो पता चले, मुझे भी कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। लेकिन भाई अगर बात की इस वेब सीरीज के बेसिक प्लॉट की, इसको बिना स्पॉइल के, देखो इसकी जो कहानी है उसको 2027 में सेट किया गया है, जहां पर जो सेटिंग्स हैं उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सेट किया गया है, जहां पर भाई जो मोना सिंह का कैरेक्टर है उसको एक दिन सडनली पता चलता है कि उस आइलैंड पर एक खतरनाक वायरस है जो कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, एंड डॉक्टर सिंह उस वायरस के बारे में अपने ऑफिशियल को भी जानकारी देती है, बट वो लोग उसको लाइट लेते हैं। एंड उसी टाइम भाई उस आइलैंड पर होने वाला होता है एक फंक्शन, महोत्सव, मतलब बहुत सारे लोग उस आइलैंड पर आते हैं, बट आने के बाद वो लोग वहां से जा नहीं पाते क्योंकि जो वायरस है वो फैल जाता है एंड लोगों को धीरे धीरे करके इन्फेक्ट करना शुरू करता है। तो बस भाई आपको यही फाइंड आउट करना है कि जो वहां के लोग हैं वो उस वायरस से कैसे सरवाइव करेंगे एंड क्या उसका कोई सलूशन है, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन वो वायरस आया कहां से है, उसका ओरिजिन क्या है, बस यही सब चीज जानने के लिए आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन भाई अब अगर बात की रियल मुद्दे की एक्चुअली में इस चीज को देख करके मजा आया या फिर नहीं, तो बस मैं इतना बोलूंगा कि हाँ पर्सनली मुझे इस चीज को देख करके मजा आया। एंड इन केस भाई अगर आप एक ड्रामा लवर हो, आप लंबे लंबे एपिसोड को झेल सकते हो, तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज को देखने जाते हो तो ये चीज आपको भी मजा देगी। एंड उसके दो तीन सिंपल रीजन, पहली चीज ये कि सीरीज में जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है सर्वाइवल थ्रिलर का वो काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग है, जो ग्राउंडेड चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है, जो इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है, मैन वर्सेस नेचर की जो चीजें देखने को मिलती है वो आपके दिल को जरूर छुएंगे। बस इसका जो ड्रामा है वो आपके लॉजिकल थिंकिंग पर भी कमेंट करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेंगी जहां पर आप अपने आप को रख करके जज करने की कोशिश करोगे कि अगर मैंने ऐसे किया वो 1% बचेगा, अगर मैंने ऐसे किया तो वो 10% बच जाएंगे। मैं ज्यादा कमेंट करके स्पॉइल नहीं करूंगा, बट हां एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन आती है जहां पर आप भी उस सिचुएशन को अपने माइंड से जज करना चाहोगे, तो वो उसको देख करके काफी बढ़िया लगा। नेक्स्ट रीजन ये कि इस सीरीज में जो एक्टर्स देखने को मिलते हैं उनकी भाई बहुत ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, प्लस सीरीज में आपको मिस्ट्री का एंगल देखने को मिलता है, एंड उस मिस्ट्री के एंगल में जो वायरस रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेंगी, प्लस जो आपको ट्राइबल एंगल देखने को मिलेगा एंड कुछ मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, तो उनकी मिस्ट्री का ये सब जो चीजें देखने को मिलती हैं वो सब जो चीजें हैं भाई आपको इस सीरीज के साथ डिसेंटली एंगेज करके रखेंगे। सीरीज आपको प्रोडक्शन वैल्यू से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपको काफी अच्छा कलर ग्रेडियंट एंड जहां पर इसको शूट किया गया जो लोकेशन वगैरह देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया। प्रॉब्लम की बात करें तो हाँ सीरीज ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से मास्टरपीस है, इसमें आपको कमियां भी देखने को मिलेंगी एंड कुछ कुछ एपिसोड में आपको 19-20 चीजें भी देखने को मिल जाती है, तो उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड भाई साथ ही साथ सीरीज में बहुत सारे सब प्लॉट देखने को मिलते हैं जहां पर सीरीज की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, तो फील हुआ। बट ओवरऑल ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते, मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर्स देखना पसंद है, आपको वायरस वाली चीजें देखना पसंद है, आपको ट्राइबल एंगल देखना पसंद है, आपको मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद है, तो हाँ आप इस चीज को एक बार ट्राई कर सकते हो, सीरीज काफी अच्छी है, अगर आप देखने जाओगे तो आपको जरूर पसंद आएगी। अपने आप को प्रो समझते हो तो कुछ चीजें हैं जिनको आप प्रेडिक्ट कर लोगे, तो वहां पर हो सकता है कि आपका मजा खराब हो जाएगा, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि इस चीज को आप धीरे धीरे करके एक बार ट्राई जरूर करना। अदरवाइज बात की मैं तो हाँ सीरीज मुझे पसंद आई, इसका जो कॉन्सेप्ट था काफी अच्छा था, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा थी, कुछ ओपी मूवमेंट देखने को मिलते हैं जिनको देख करके मजा आता है, पैंडमिक वाली जो सिचुएशन देखने को मिलती है उसको देख करके अच्छा खासा थ्रिल का एहसास भी होता है, एंड हाँ इमोशनल जो ड्रामा देखने को मिलता है वो इंपैक्ट करता है, स्पेशली जो बाप का एंगल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं इस चीज की जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको ओवरऑल जज करते रहूंगा 7.8 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, देखने के लिए मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।